Go to Rulob. VTLX का सिर्फ बोर्ड है। लोग लाइट में से बाहर आए और देखो कौन मिला है। मैंने सुबह ही नाम लिया दादा का और मुझे फर्स्ट टाइम दादा ने लाया था। ये नंदू को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी, पहले सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन दबाओ और जल्दी से जल्दी 50 का आंकड़ा खत्म होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो अभी मेरे सब व्यूवर्स सोचते रहेंगे कि मैं हिंदी में बात क्यों कर रहा हूँ। तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बोला था कि आपने जल्दी हिंदी में व्लॉग आने वाले, क्योंकि अपने जो हिंदी व्यूवर्स है उनके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते रहते कि हिंदी में ब्लॉग करो। तो आपके लिए ये ब्लॉग हिंदी में कर रहा हूँ। पिछले 48 ब्लॉग्स मैंने मराठी में किए, ये मेरा हिंदी फर्स्ट ब्लॉग है, मतलब 49th ब्लॉग है ये। तो थोड़ा मुझे संभाल लेना, अगर कुछ भूल चूक हुई तो माफ़ करना, क्योंकि मैं मेरे मातृभाषा में मतलब मराठी में जितना कम्फर्टेबल हूँ उतना हिंदी में कम्फर्टेबल हूँ, लेकिन उतने लेवल में नहीं हूँ। आपको तो मालूम है जो अपने मदर टंग में जितना कंफर्टेबल रहता है वो दूसरे लैंग्वेज में नहीं रहता है। तो अगर मेरे तो फंबल हमेशा होते ही रहते हैं, आपको मालूम है, तो थोड़ा संभल लो। पिछले 48 व्लॉग्स को जो अपने प्यार दिया है उतना प्यार ये व्लॉग को भी देना। और आज दोस्तों मैं जा रहा हूँ गोरेगांव पाल्म एक्सपो में, जो गोरेगांव में हर साल बहुत बड़ा एग्जीबिशन भरता है, आपको तो मालूम ही होगा, नेस्को में। पिछले कई सालों से वो एग्जीबिशन होता आ रहा है और एक्चुअली मैं ज्वाइन हुआ 2014 या मुझे मेरे गुरुजी मतलब प्रथमेश धुमाल मेरे दादा लेके गए थे मुझे वहाँ पे, तो तभी से मैं ज्वाइन हूँ। और 2014 से लेके 2019 तक एक साल भी मैंने ड्रॉप नहीं किया एग्जीबिशन में, हर साल जाता आया हूँ। तो आपको तो मालूम है 20 और 21 में कोविड के वजह से कुछ एक्टिविटी नहीं हुई और एग्जीबिशन भी कैंसिल होता आ रहा था, तो इस वजह से जाना नहीं हुआ। अभी 2022 में वापस एग्जीबिशन होने जा रहा है, मई महीने के लास्ट 3 दिन में होता है एग्जीबिशन हर साल, तो ये साल भी है एग्जीबिशन। और आज लास्ट मतलब थर्ड डे, कल आई थिंक परसों अपने ग्रुप मेंबर्स जोगेश्वरी बीच के सब मेंबर्स जाके आए, तो मुझे बोल रहे थे कि लाइव इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं, क्योंकि पहले जब भी हम जाते थे तभी डरबुगा जेम्बे ड्रम्स या अदर कुछ इंडियन इंस्ट्रूमेंट फ्लूट वगैरह सब रहते थे और रिदम के भी इंस्ट्रूमेंट रहते थे, तो ये साल वैसा कुछ नहीं है, लाइट्स और साउंड ही है, बाकी म्यूजिशियन के काम की ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, बट देखते चलो वहाँ पहुँच के मिलता हूँ आपको। और मेरा भाई आधे घंटे से खड़ा है बेचारा मेरा रजिस्ट्रेशन पास लेके। सर सॉरी फॉर लेट, हमेशा कह रहे हैं, हंस रहा है। तो पहुँच गया मैं यहाँ पे। और फर्स्ट कुठे जाए, फर्स्ट हॉल लाइनिंग सगळे हॉल करायचे, कहा जाना है फर्स्ट। आज का व्लॉग अपना हिंदी में, तो हिंदी बात करने का, समझा छोटे। और ये फर्स्ट हॉल है, पे सब मिक्सर से और अपने साउंड इंजीनियर मिक्सर चेक करें। आपण
से यहाँ पे, ये जो फ्लाइंग में जो स्पीकर्स लगते हैं वो सब स्पीकर्स है, और यहाँ पे बेस है। हेलच कर दो बाबा, तो मिक्सर मत लगाए, मुझे तो कुछ नहीं समझता इसमें का। हाँ अगर एनालॉग बोलो तो इसमें का कुछ समझता है, लेकिन डिजिटल में कुछ नहीं समझता। ये प्लेयर है, चलो आगे चलते हैं। ये अपनी काम की चीज़ है, स्टूडियो मॉनिटर्स। क्या ख्वाहिश है तेरी, वापिस बोल, बोल वापिस बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे बोल रहा है कौन सा क्या मिक्सर चाहिए तेरे को? माइडा 1030 और 2-3 AM और फ्यूचर में अगर इन्होंने सब्सक्राइब किया तो जल्दी ला के दूंगा, फटफट सब्सक्राइब करो। यहाँ पे सेनाइजर का सब है, माइक्स वगैरह। ये क्या है प्रसाद, किस चीज़ का एंटीना है ये? हाँ वायरलेस एंटीना, ओके। इसको ड्रम के ऊपर लगा के सिंबल करके नहीं बजा सकते? भाग गया भाग गया। देखो यहाँ पे सब माइक्स है, हेडफोन्स है, ये भी माइक है। ये एक्चुअली 1000 स्क्वायर फीट का हॉल है। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड है तो कन्फ्यूजन रहा है कहाँ जाए कहाँ जाए, एक एक तो कर नहीं सकते, तो धीरे धीरे सब देख रहे। अभी चलो आपको भी दिखाता हूँ, जा जाता हूँ। और इसको एक्चुअली क्या करने का तरह साउंड का, ये एक्चुअली स्टूडियो के इंस्ट्रूमेंट देखने आए सब, अभी देखते। और जो साल में नया लॉन्च होता है वो इस एग्जीबिशन में रहता है हमेशा, तो नई नई चीज़ें दिख रही है, लाइट्स वगैरह, तो आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे। क्या क्लास मिक्सर है देखो ये, अभी मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं किस यूज़ के लिए, स्टूडियो के लिए या लाइव के लिए। लाइव के लिए यूज़ करते हैं और स्टूडियो के लिए सिर्फ लाइव के लिए। ये एक और बोर्ड है, इतने सारे बटन्स, कोई कंफ्यूज हो जाए देख के। कुछ याद रहेगा तुझे इसमें? और ये स्क्रीन टच है, बता स्क्रीन टच? स्क्रीन टच नहीं है, स्क्रीन टच नहीं है बोल रहा है, तो इतनी बड़ी स्क्रीन क्या मूवी देखने के लिए थी? अपन बाकी तो नहीं है ना, ये बना ये वाला हिंदी हिंदी ये वाला नहीं है ना, कंप्रेसर वगैरह ये करके। तो ये खुद साउंड इंजीनियर हो के इसको इसमें का कुछ समझदार नहीं है, तो मेरी तो बात ही दूर की है। मैं सिर्फ देख रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं, देखो बटन घुमा रहा है, ये वो टच कर रहा है, अभी क्या बताओ इसको क्या हो रहा है तुझे। देखो कितना बड़ा मिक्सर है, कितने चैनल का रहेगा ये? हाँ एक काम कर, तू साउंड इंजीनियरिंग छोड़ दे, कुछ बस का नहीं है तेरे। देखो यहाँ पे कीबोर्ड भी है इसका, और ये प्रसाद की काम की चीज़ है, ये देखो कंडेंसर माइक्स। हा माईक यायला लागतो ना टॉमला क्लिपिंग करून, डबल लागतो
पूरा रिदम आता है, राइट, पूरा रिदम। अच्छा, ये सब एक दो और ये तीसरा, ये तीनों माइक पे रिदम होता है। और ये वाला माइक वोकल के लिए नॉर्मली, और ये बेस के लिए, शायद ये माइक बेस के लिए, क्योंकि मैंने जितना देखा है किक के लिए। हाँ, बेस ड्रम के किक के लिए ये माइक यूज़ कर दो, और ये तो अपना नॉर्मल माइक है। और ये देखो ड्रम का किट, ये फुट बेस के लिए किक का माइक, और ये सब माइक से, और ये ओवरहेड्स के लिए लगते, जो ऊपर से माइक लगते सिंबल के लिए ऐसे करके, वो माइक से ही है। ये पूरा किट है। देखो यहाँ पे आ गए हम लोग, और परफॉर्मेंस चालू है वॉयलिन का, और ये सब इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे बोंगो है एलपी का, ऑलमोस्ट एलपी के इंस्ट्रूमेंट्स है बोंगो है ये भी, और यहाँ पे एलपी की टिम्बाली है, कोंगाज है, ये थ्री पीस है, ये टू पीस है, और मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट काहन बॉक्स एलपी का। एक्चुअली ये यहाँ पे बहुत सस्ता मिल रहा है, 16,500, और यहाँ पे जेम्बे दरबुगा है, और वहाँ पे ड्रम्स है, आपको ड्रम्स दिखाता हूँ मैं। ये कॉर्क का कीबोर्ड है, और यामा का मोन्टाज 8, और यहाँ पे टामा का ड्रम है, सीरीज है पूरा, और ये पर्ल का किट है। ये देखो ये जो बोर्ड है, इसकी ये सर ने हमें प्राइस बताई 80 लाख, और इसके साथ ये जो है जिसमें XLR लगते हैं, इसके साथ प्राइस इसकी जाती है 1 करोड़। 80 लाख का सिर्फ बोर्ड है। अभी हम लोग जा रहे हैं हॉल नंबर 6 में, लाइटिंग हॉल। अभी देखते हैं, चलो यहाँ पे क्या माहौल है। क्या गृहपाठ चालू है आपका, घर का बेस पर लिक्विड का चला भाई, बंद होने के लिए आए हैं यहाँ पे। आपने मेरा शिव जयंती का जो बेलगांव का ब्लॉग देखा होगा, उसमें जो लाइट्स थी सब डीजे प्लेयर्स के पास, ऑलमोस्ट डीजे वाले यहाँ से ही सब परचेस करके ले जाते हैं अपने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा डिस्काउंट रहता है। जो शोरूम में लाइट्स या साउंड मिलता है उससे यहाँ पे 10% 20% हमेशा डिस्काउंट रहता है। और ये देखो लाइट्स है सब, LED, और यहाँ पे शार्की लगी हुई है, ये लेजर लाइट है, बेंडर, ये साल कुछ नया दिख रहा हूँ ये वाला। इधर सब लाइट्स रखी हुई है, ये वाली लाइट देखो, ये शार्पी है, आई थिंक ये 15R है, ये छोटी शार्पी, और इसका पल बोर्ड दिखाता आपको, ये देखो ये लाइट्स का पल बोर्ड है। ओ माँ गो टू लोव, ये देखो क्या है।
शायद ये चांद तक जाएगी। और वो जो पहले लाइट दिखा, शिट मैन, और एक नया आइटम ये देखो, क्या बात है। यहाँ पे सब शार्पी से जिया के, ओ माँ गो टुरु लोभ, आपको धीरे धीरे एक एक मैं दिखाता हूँ। ये सब लाइट्स है, बहुत सारी लाइट्स है यहाँ पे। ये देखो ये लाइट्स है, अभी मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है ये लाइट्स को क्या बोलते, क्योंकि जितना मुझे मालूम था आपको पता है, मैंने मुझे ये लाइट्स की जानकारी बहुत कम है। और ये एस्प्रो का डिपार्टमेंट, जो अपने लाइट्स है जे बी के, जोशी बीट्स के, सब एस्प्रो के। और गौरव ने लास्ट टाइम मतलब 2019 में यही से शार्पी खरीदी थी, दो एक पेयर शार्पी का। आपने जापान या चाइना में देखा होगा कई रील में या वीडियोस में, जो स्क्रीन रहती थी 3D बिल्डिंग्स में या कहीं, तो ये वाली स्क्रीन है 3D स्क्रीन। ये देखो यहाँ पे सब केस है, हर केसेस। ये जो अपनी शार्पी की केस है या साउंड की, किशोर की केस देखी होगी आपने, साउंड की सब केसेस वो है। ये देखो ये 360 फोटो बूथ सदा एक घंटा, यहाँ पे कैमरा लग सकता है, ये जो घूम रहा है वो। और ये लाइट्स में एक बड़ा ब्रांड है स्टैन, लाइट्स ही लाइट्स है सब यहाँ पे।
hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you, suddenly I feel no pain. Can you make it go away? Rashad Kohli, ye light pasand aayi hai. Ghar pe leke jaane wala hai shayad. Rashad, ghar pe leke ja raha hai. हम लोग इस हॉल में कम से कम आधा घंटा है, इसको अभी चक्कर आने लगे, बोलते मेरे को सर घूम रहा है, अभी जाते यहाँ से तो अभी देखते दूसरे हॉल में क्या है, नहीं तो हम लोग जा रहे परफॉर्मेंस देखने। कौन सा परफॉर्मेंस है रहा था? पदुम करके बैंड है, उनका परफॉर्मेंस है, अभी वही देखने जा रहे हैं। हम लोग हॉल 1 और हॉल 6 से मतलब लाइट्स का भी और साउंड का भी जो था उससे बाहर है, जब हम लोग जा रहे हैं परफॉर्मेंस देखने, तदुन का परफॉर्मेंस है, तो वहीं पे जा रहे हैं, अभी देखते हैं क्या माहौल है, सबको दिखाता हूँ। जस्ट एक बैंड का परफॉर्मेंस खत्म हुआ है, अभी तदुन का परफॉर्मेंस है, तो हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं स्टेज के एकदम करीब। चलो वहाँ पे बैलेंसिंग चालू है, और वेट करते करते सब लोग बैठ गए यहाँ पे, हम लोग भी वेट करें क्योंकि यहाँ पे आके हमें 15 से 20 मिनट हुआ है, अभी शायद परफॉर्मेंस चालू हो जाए जल्दी से। हिंदी इंग्लिश आधा आधा, मेरा आधा तुम्हारा आधा। कलेवंदन जो है ये तमिल में रैप करते हैं, आशीष जो है हिंदी मराठी में रैप करते हैं, ये भी हिंदी मराठी में रैप करते हैं, ये हमारे एमसी देहाती हैं जो भोजपुरी में रैप करते हैं। मैं इसी के लिए तुमको लेके आया, मैंने कहा यार हमको तो बोर करेगा ज़्यादा, लेकिन तुम भोजपुरी में करना तो देखते हैं क्या होता है। और हमारे सायर भाई हैं जो बेस गिटार पे हैं। सो दिस प्रोजेक्ट लाइक आई सेड इज वेरी स्पेशल, ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज हम ये जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, हम 4-5 साल से काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो इस प्रोजेक्ट में जुड़े हैं। कोनोकोल जो एक वोकल परकशन आर्ट फॉर्म है साउथ अफ्रीका से, ये सब सीखते हैं ये आर्ट फॉर्म को, और भी सुनेंगे जैसे कॉन्सर्ट आगे जाएगा, और रैप भी करते हैं, तो ये कोनोकोल सीखते हैं और रैप भी करते हैं, ताकि ये जो मेल है दोनों का ये थोड़ा स्पेशल है। तदु प्रोजेक्ट में ये जो एक रेसिपी बना है ये इस चीज़ का स्पेशलिटी है। कितने जनों ने सुना है तदु प्रोजेक्ट? चलो जिन्होंने नहीं सुना आज सुनेंगे, ठीक है। सो ये दूसरा ट्रैक जो है, इसके पहले से ट्रैक किया उसका नाम था ध्वनि। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी ये लोग बहुत काम करते हैं लिखने के ऊपर, तो आप हो सके तो ध्यान से सुनना कि लिख क्या रहे, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें सोच के ऐसे ही मैं आया तू गया नहीं लिखा है इन्होंने, काफ़ी सोच के इन्होंने लिखा है। तो जो फर्स्ट ट्रैक था उसका नाम था ध्वनि, सेकेंड ट्रैक जो है उसका नाम है दिशा, और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि क्या है महत्व दिशा का हमारे लाइफ में। एक तो होता है नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, हम जैसे ही पैदा होते हैं हमको एक दिशा ढूंढना पड़ता है हमारा, कि हम किस तरफ जाएं, किस दिशा से जाएं, तो हमारे इंट्यूशन जो है वो हमको दिशा दिखाता है।
क्या वो गलत है, क्या वो सही है? दुख सुख दिवसाचा ओलांडत्या वेसी जगतनी वेसनी मने ग्रंथ पश्चिम नव्या सुरुवातीचा अंत दिशा उत्तर आहे यमाच्या साधने तते हकर नष्ट वार संगे सत्वने सकारात्मक शक्तीचा जित वसा इथनाव दिलय दक्षिण दिशा विश्व आहे स्थिर जे दहा दिशा धरी दिशा अन ओळखी एक अंतरी ता तरु ये जो ब्रांड है LP लैटिन परकशन, उन्होंने इनका सोलो रखा है खास सीट साथ में। सर अपना ये इंस्ट्रूमेंट है, ये अपना डिबल टी चाटी है। अब आए एक काम की चीज मिली है, देखो बोंगेज, सब बोंगेज बोंगी, लेकिन इनका क्वालिटी बहुत बढ़िया है, जो हम नॉर्मली यूज करते वो नहीं है। ये देखो, ये जो है वो अपने फ्रेंड है घोड़ा पे बिट्स करते हैं, उनके पास है, लेकिन इनके पास इससे बड़ा है, वो लगाते हैं सिर्फ स्टैंड पे, बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा है उनका। हम लोग तदुम का परफॉर्मेंस देख रहे थे, तो भाई का फ़ोन आया कि मैं बाहर आया, तो उसको लेने बाहर आया मैं, और आपने देखा हम लोग वहाँ पे गए थे जहाँ हम लोग बजा रहे थे दोनों फर्स्ट हॉल में, जहाँ मैं पहले जाके आया तो भाई आया, तो भाई को बोला कि जाके बजाते, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है यहाँ पे, डरबू का जेम्बे वगैरह था, तो हम लोग ने बजाया। आपने देखा अभी वापस लुइस बैंक का परफॉर्मेंस है, लुइस ना, हाँ लुइस बैंक का परफॉर्मेंस है, तो अभी वही देखने जा रहे हैं हम लोग। फेवरेट बैंड है मेरा लुइस बैंक का, उन लोग का जो बैंड है, अभी देखने को जाऊंगा मैं, फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत बार सुना है मैंने इस एक्सपो के बारे में, कभी आने का मौका नहीं मिला है ऑफिस की वजह से, मेरे परफॉर्मेंस की वजह से टाइम क्लैश होता था। फर्स्ट टाइम आया हूँ, नंदू का कॉल आया मेरे को कि ऐसे ऐसे है, और भाई साहब से मैं आ ही रहा था, मेरा ऑफिस में थोड़ा काम था, मेरा ऑफिस है अंधेरी में, तो ऑफिस में मैंने सिस्टम दिया, वहाँ पे सबमिट किया, इमीडिएट में वहाँ से निकला, यहाँ पे आया, आईडी मिला रेडीमेड मेरे को, अंदर एंट्री किया, तूफान है, लाइट्स जितनी देखो उतनी कम है, इंस्ट्रूमेंट जितने देखो उतने कम है, साउंड जितना देखो उतना कम है, लिटरली लगता है कि 365 रख दिया ना ये दिन, यहाँ पे लोग यहीं पे रह जाएंगे, म्यूजिक वाले लोग बाहर निकलेंगे ही नहीं। और मैं तो सुना हूँ अभी जैसे संदू से कि अच्छे खासे बड़े बड़े परफॉर्मेंस करने वाले आर्टिस्ट यहाँ से ही निकले हुए हैं, तो काश और कोई आर्टिस्ट यहाँ से निकले और हमारी भी पहचान में रहे। अभी हम लोग जा रहे हैं हॉल 6 में, जहाँ आपको लाइट सीखा, अभी वापस नहीं दिखाऊंगा, बोर नहीं करूँगा, टेंशन मत लो, अभी वापस जाके इसको लाइट सिखाता हूँ और फिर हम लोग परफॉर्मेंस देखेंगे। पहली बार आया हूँ ना, मुझे पता नहीं है, दिखा रहा है सब मेरे। हम लोग लाइट में से बाहर आए और देखो कौन मिला है। मैंने सुबह ही नाम लिया दादा का, और मुझे फर्स्ट टाइम दादा ने लाया था, और ये भी था मेरे साथ फर्स्ट टाइम जब भी हम लोग आए थे, मुझे दिखाना दे रहा ये, तो
2019 तक हम लोग कंटिन्यू आए, फिर 2 साल गैप और फिर अभी आए, और दादा मुझे मिला रिहर्सल में, गया था रिहर्सल से डायरेक्ट आया, तो अभी जाते लुइस बैंक का परफॉर्मेंस देख के निकल जाते यहाँ से। फिर से हम लोग अंदर आए और उनका बैलेंसिंग चालू है। जस्ट परफॉर्मेंस देख के हम लोग बाहर है, मैं तो 1 बजे से घूम ही रहा हूँ, जरा भी नहीं बैठा हूँ, और भाई भी अभी जा रहे हैं। हम लोग ने देखा मजा अभी भी चल रहा है, लेकिन हमारी हालत अभी ऐसी थोड़ा डाउन हो गया। मुझे भी कॉल पे जाना है, जोगेश्वर बिट्स का आज काम है अंधेरी वेस्ट में, और उसको भी थोड़ा ऑफिस के काम के लिए आया था, तो उसमें से टाइम निकल के यहाँ आया, तो अभी हम लोग निकल रहे। बोला और मैं नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता, तो चलो मैं आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई, जो भी है नंदू को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी, पहले सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन दबाओ, और जल्दी से जल्दी 50 का आंकड़ा खत्म होना चाहिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये ब्लॉग यही ख़त्म करते, मिलते अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, और ये फर्स्ट हिंदी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। ये ट्रक वाले को भी शायद अच्छा लगा, जोर जोर से हॉर्न बजा रहा है। थैंक यू भाई, आपको भी थैंक यू। चलो